Yo, what's up guys, welcome back to the another gameplay video. आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं Minecraft का. आज के इस वर्सेस एपिसोड में हम टेक्नो गेमर्स एंड टोटल गेमिंग का हाउस वर्सेस करने जा रहे हैं. हाउस वर्सेस नहीं, वैसे अगर मैं कासल के साथ हाउस वर्सेस करता तो वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता. तो मैंने जो है ना उसके टोटल गेमिंग के ओल्ड हाउस एंड टेक्नो गेमर्स के स्टैचू हाउस से वर्सेस कराया है, ताकि थोड़ा फेयर भी हो और मतलब फेयर और कॉम्पिटिशन भी थोड़ा टक्कर का हो. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो ऑलराइट गाइस, अभी हम आ चुके हैं, हम जो मतलब बाहर आ चुके हैं उनके दोनों स्टैचूज के. सॉरी, अच्छा, स्टैचू एक हाउस के जस्ट बाहर है और आउट लुकिंग अगर आप देखने जाएं तो आप सबको पता है ऑब्वियसली किसका ज्यादा अच्छा है हाउस. तो भाई अभी हम मतलब इसमें मैंने थोड़ा सा अंदर से कस्टमाइजेशन भी किया है. फर्स्ट फ्लोर पे नहीं किया है, ग्राउंड फ्लोर पे किया है, क्योंकि गाइस ग्राउंड फ्लोर पे ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे करना. क्योंकि और यहाँ पे टेक्नो गेमिंग का यहाँ पे एक छोटा सा खेत आप देख सकते हो, जहाँ पे वो थोड़ा अपना खाना वाना उगाते हैं. और यहाँ पे एक रिवर है ताकि सब कुछ उग सके और सब कुछ मिल सके. तो ऑलराइट गाइस, अभी हम वहाँ से बाहर आ चुके हैं और हम यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा बिल्कुल खाली है. कोई भी डेकोरेशन यहाँ पे नहीं की गई है, क्योंकि यार ये उस टाइम नया नया बनाया गया था और मैंने इसी का वर्सेस किया था कि कोई अनफेयर ना लगे. और गाइस अभी मैं नीचे वाले फ्लोर पे मैंने खुद से थोड़ी डेकोरेशन की है और आप इसी के हिसाब से मतलब रेटिंग देना कि किसको ज़्यादा मिलनी चाहिए. 5 मैं देता हूँ आपको, 5 में से आप कितनी रेटिंग देना चाहते हैं टोटल गेमिंग के हाउस को और टेक्नो गेमर्स के स्टैचू को, कितना रेटिंग देना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना. वैसे मेरे लिए तो दोनों ही अच्छे हैं. और आप ऐसा इमेज करके रेटिंग देना कि ये जो ये रखिए ना यहाँ पे चेस्ट, इसमें थोड़े रेयर रेयर आइटम्स जैसे मतलब TNT भी बहुत सारे रखे हैं, मतलब TNT डायमंड गोल्ड हर एक चीज़ जो भी मतलब रेयर है वो सब रखी है, इस हिसाब से रेटिंग देना. और अभी हम यहाँ से चलते हैं सीधा सीधा टेक्नो गेमर्स के टोटल टेक्नो गेमर्स के स्टैचू की तरफ, जो उज्ज्वल गेमर नाम से उन्होंने बनाया है UG. और उनकी एक फेवरेट टी शर्ट भी है आई थिंक से, जो भी वो पहनते हैं आजकल. अभी की जो रिसेंट वीडियो से उनकी GTA 5 की वीडियो आई थी, उसमें भी उन्होंने टेक्नो गेमर्स की उज्ज्वल वाली ही वीडियो पहन के उसको शूट किया था. तो वो भी एक वीडियो पहन के नहीं, सॉरी टी शर्ट पहन के शूट किया था. तो ऑलराइट गाइस, आप भी है ना, हम यहाँ पे चलते हैं सीधा अंदर और इसी रास्ते से हम चलते हैं. जैसे भी टोटल गेम टेक्नो गेमर्स आई थिंक सॉरी टोटल टेक्नो गेमर्स ने है ना भाई इसी से ऊपर आने का रास्ता बनाया है. ऊपर आने का और कोई रास्ता नहीं है. और ये देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी डेकोरेशन और बहुत ही अच्छी तरह से डिटेलिंग की गई है. अगर आप डिटेलिंग पे जाओगे तो यस, नन अदर देन आपको टेक्नो गेमर्स का ही हाउस चुनना पड़ेगा. लेकिन अब आप किस नज़रिए से देखते हो वो आपके ऊपर है, आप बताना. और वहाँ पे वो एक आंख थी जो कि गेट की तरह काम करता है. और यहाँ पे एक सेकंड फ्लोर है और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है. और ये लाइब्रेरी टाइप है या तो कुछ लाइब्रेरी टाइप नहीं है, मतलब लाइब्रेरी के लिए उस मतलब स्टेयर्स बनाने के लिए रखी ऊपर. और यहाँ पे कुछ भी सामान रखा जा सकता है. और अभी हम छत पे चलते हैं, छत पे भी हम आ चुके हैं. और यहाँ पे एक ग्राउंड बनाया गया है जो कि टेक्नो गेमर्स के स्टैचू ने पहन रखा है. जो कि गाइस मुझे भाई पूरे स्टैचू में पर्सनली ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है टेक्नो गेमर्स के स्टैचू में. आपको क्या अच्छा लगता है मुझे कमेंट में जरूर बता देना. वो कुछ हो सकता है आपको स्वॉर्ड अच्छी लगती हो या पूरा स्टैचू अच्छा लगता हो. पूरा स्टैचू सबसे अच्छा लगता है मुझे भी है, लेकिन सबसे अच्छा मुझे ये क्राउन लगता है पूरे स्टैचू में. गाइस इसकी जो डिटेलिंग है ना बहुत ही अच्छी की गई है और बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है. वैसे तो पूरा ही अच्छा है बट ये ज़्यादा अच्छा है. तो ऑलराइट गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस. और आपको अगर ऐसी ही वर्सेस वीडियो डालनी है तो मुझे कमेंट में आइडियाज देते रहना कि आपको किसका वर्सेस चाहिए, मैं उसका वर्सेस लाता रहूंगा. तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना. हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए.